स्वास्तिक भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो सुख समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यह प्रतीक प्राचीन भारतीय धर्मों में उपयोग होता है और इसे धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा अर्चना और आचार व्यवहार में विशेष स्थान प्राप्त है। स्वास्तिक का यह प्रतीक चार बराबर भागों में बटा होता है, जो स्थिरता और चारों दिशाओं की सुरक्षा को दर्शाता है। हिंदू धर्म में इसे भगवान विष्णु की कृपा भी मानी जाती है। तो स्वास्तिक अगर देखा जाए तो स्वास्तिक हम पौराणिक समय से, बहुत पुराने समय से स्वास्तिक के चिन्ह हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर के और धर्मों में भी स्वास्तिक के चिन्ह बहुत टाइम से बनाए जाते हैं। स्वास्तिक को अगर देखा जाएगा तो उसको अगर ब्रेक करके हम देखें, शू है एक, तो शू एक अस्थि और का, तीन चीजों में विखंडित हुआ है। शू का मतलब हो गया मंगल, अस्थि का मतलब होता है होना और का मतलब हो गया करना। तो यानी ये जो चिन्ह है ये आपका मंगल करने वाला चिन्ह है, कुछ लोग स्वास्तिक भी कहते हैं घर में लाने वाला है, जितनी भी आपके अंदर शुभ चीजें होती है वो लाने का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप गणेश पुराण के अनुसार भी माने तो उसमें गणेश का रूप भी माना जाता है, गणेश अग्र पूजा के लिए प्रथम देव के रूप में माने जाते हैं। तो इसमें अगर जैसे आप स्वास्तिक की पूजा कर रहे हैं तो स्वास्तिक से यानी स्वस्थ होना, आपका मंगल होना निश्चित है, तो लोग अपने मंगल करने के लिए स्वास्तिक की पूजा करते हैं। स्वास्तिक को अगर हम वास्तु से जोड़ें तो इसके लिए एक बहुत विशेष है कि हर घर के बाहर एक स्वास्तिक का निशान बना होना चाहिए। स्वास्तिक बनाने का अगर देखें हम, बहुत लोग जो है स्वास्तिक को बनाने में जो है बहुत सारी जो है गलतियां करते हैं, क्योंकि स्वास्तिक को लोग क्या करते हैं, पहले प्लस का निशान बनाते हैं। तो प्लस का निशान बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं आपने प्लस बनाया तो प्लस यानी आपका जो ब्रह्म स्थान है वो कट गया, क्रॉस हो गया। तो स्वास्तिक को बनाने का देखो तरीका ये होता है कि ब्रह्म स्थान पे एक पहले डॉट लगाया नामिका बिंदु से, और फिर इसको इस तरह से पूर्व दिशा से स्टार्ट करते हुए हर दिशाओं पे बाहर से अंदर की तरफ लकीर खींचते हुए, फिर सारी लकीरें बाहर से अंदर खींचते हुए जब आप बनाते हैं तो अखंडित बनता है। और इसमें चार बिंदु जो हमारे अगर माने जाएं तो चार पुराणों का भी, सॉरी चार वेदों का भी जो है इसके अंदर समायोग होता है, या चार जो दिशाएं होती हैं, इनकी चार जो फैली हुई दिशाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं, वो चार दिशाओं का प्रतीक हो रही है। और चार हमारे जो वेद है ना, वेद ऋचाएं जो भी है वो भी चार हमारी हैं, तो चार उनका भी प्रतीक ये माना जाता है। तो इसलिए जब आप स्वास्तिक अपने घर पर बनाते हैं या मान के चलो आपके कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान पर बनाते हैं, या जिस खाते पे आप अपना लेखा जोखा रखते हैं उस पर बनाते हैं, या जहाँ पे जो है कि आप पैसा इकट्ठा करते हैं उस जगह पे बनाते हैं, तो स्वास्तिक बनाने का मतलब होता है स्वास्तिक आपके जीवन में मंगल कर रहा, स्वास्तिक आपके जीवन में मंगल यानी शुभता लाने का कार्य करता है। तो स्वास्तिक बनाने का मुख्य जो उपयोग है ये यही है कि आपके जीवन में शुभता और मंगल। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया की रिपोर्ट।